और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने चर्चा की थी दो तरह के शंक्वाकार आकृति के चेहरों के बारे में, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक आकृति। उसी कड़ी में आज हम पहले सकारात्मक आकृति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिनका चेहरा माथे की तरफ से चौड़ा और ठोड़ी की तरफ से सकरा होता है, वे लोग अपने व्यवहार से बड़े ही पॉजिटिव होते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता और विवेक भी बहुत अच्छा होता है। ये अपने कार्य पूर्ण धैर्य और विवेक के साथ करते हैं। इसके अलावा इन्हें हर नई चीज़ को जानने की इच्छा होती है। ये पढ़ाई लिखाई में भी बहुत रुचि रखते हैं। साथ ही ये लोग निडर और बेबाकी से अपनी बात कहने वाले होते हैं। आपको बता दूं कि इनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है। ये जल्दी से किसी भी बात को भूलते नहीं हैं और समय के अनुसार अपने व्यवहार और विचारों में बदलाव करते रहते हैं। इनके अंदर नेतृत्व करने की भी अच्छी क्षमता होती है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा सकारात्मक आकृति के चेहरे वाले लोगों के बारे में।